जय सिया राम माता जी। जय सिया राम। माँ, आपकी नज़रों में सौराष्ट्र में कौन सा पत्रकार है? सौराष्ट्र में करीब सारे पत्रकारों का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। हाँ, एक आध कोई निकलता है, ये तो होता है कि दुनिया है। एक सबसे श्रेष्ठ पत्रकार परम भक्त तटस्थ, काफ़ी पढ़ने लिखने वाला, कलम चलाने वाला। आजकल कलम कहाँ किसी को चलानी, रेडीमेड दे दो, ड्राफ्ट करके 10,000 रुपये का कवर भिजवा दो, जो चाहे वो दूसरे दिन चेक पेपर में आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज कलम चलाने वाले नहीं हैं, लेकिन माहौल बदल गया है। श्रेष्ठ पत्रकार मेरे अनुभव के द्वारा मैं जो कहूँ तो रमणीक भाई राड़िया जाम खंभाड़िया आते हैं। अरे जाम खंभाड़िया घी तो खबर है तमने, भारत में प्रसिद्ध है देसी घी, मटका घी पंजाबी में आप बोलते ने, भैंस नु घी जामखंभाड़िया में। तो जामखंभाड़िया में बहुत 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 भक्त हमारे, बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, अंधभक्त नहीं थे, भक्त है। और रमणीक भाई राड़िया के वहाँ ही हम जब आज की तारीख में हम जामखंभाड़िया जाएंगे तो उनके घर भी जाना होता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी हमको बहुत चाहती है, उसकी बेटी भी हमको बहुत चाहती है, उनके बच्चे भी बहुत चाहते हैं, और बच्चे के बच्चे भी चाहते हैं। इतनी क्लोजनेस है उस परिवार से हमारी, और मतलब बहुत अच्छे पत्रकार और सत्य का साथ देने वाले। और मेरी तो पूरी परिवार ने राड़िया खानदान है, मेरी बहुत सेवा की, और मैंने सेवा की है इसलिए मैं उसके लिए अच्छा बोल दूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको पता चल गया होगा इतने दिन में मैं न्यूट्रल हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा न्यूट्रल है, जो मुझे दिखाई दे रहा है उसकी बात मैं करती हूँ। तो रमणीक भाई राड़िया बहुत बहुत अच्छा बंदा, और काफ़ी वर्षों से तो हम मिले भी नहीं हैं। और एक अब बताया पत्रकार का आपने पूछा, तो एक कड़वा अनुभव में बता दें, ये खट्टा मीठा ये तो ज़िंदगी है ना, जिंदगी तो यही, खाली मीठा मीठा होता तो मज़ा नहीं आता, ज़्यादा मिठास बढ़ जाती है तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो छोड़ो, ये एक कोई महेंद्र झवेरी करके कोई पत्रकार था, मैं 35-40 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मेरे पास आया एक बार जूनागढ़ और बोले कि आपको उनको कथा देनी पड़ेगी। लेकिन देनी पड़ेगी मतलब, बोले उनको कथा करानी है। नहीं, आपकी कथा हम नहीं कर सकते, जो आपकी तमीज नहीं है, आपके संस्कार नहीं है, हाउ टू बिहेव विथ साधु संत, हाउ टू बिहेव विथ लेडी ऑरेटर, यू नो एनी सेंस, हम नहीं देंगे आपको। तो मुरारी बापू भी आपके पड़े मैंने कथा, मैंने कहा उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, मुरारी बापू जी की हमको देना क्या जरूरी है, हम तो सब बापुओं को पैदा करने वाली है, जगत माता है, हमारा स्वभाव पहले से ऐसा है महाराज थोड़ा। तो बोले हम देख लेंगे, मेरा देख लेना। कि साउथ इंडिया में मेरी कथा थी, बहुत भव्य कथा, लेकिन पता नहीं पावर किसने क्या कुछ पॉलिटिक्स कर दिया, तो सम्मान पत्र भी मुझे दे दिया गया था, कथा पूरी हो गई थी, लेकिन 4-5 बंदे तो पूरा पंडाल खाली हो गया, और मुझे कुछ शरीर में तकलीफ थी, तो मुझे कहा कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा व्यास पीठ पर, से बोले अभी फिर बैठेंगे, अभी फिर बैठेंगे। और फिर एक दो कथाकार भी है वहाँ, जाड़िया फड़िया का कोई है वहाँ का कोई कथाकार, ये दो भी जज बनने का बहुत शौक होता है ना दुनिया को, तो उन लोगों को मज़ा आ गया, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे मेरी प्रोग्रेस, मेरी स्पीच, मेरी पर्सनालिटी, फ्रीडम, ये सब सहन नहीं होता था उससे। तो ये लोग इंतज़ार करके बैठे हुए थे, तो उसको गंदा पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया, और ये जवेरी खवेरे उसके साथ मिल गए पत्रकार, और पेपर पे दे दिया उन लोगों ने कि जूनागढ़ की कथाकार 70,000 रुपये लेकर फरार हो गए। और तीसरे दिन तो मेरी कथा शुरू होने वाली थी कोई जगह पर। तो बात ये है कि पत्रकारों की दुनिया है, पत्रकार को जागृत प्रहरी होना चाहिए समाज का, वो अगर कोई ऐसा सोचे कि भी बस मीडिया हीरो बना दे और मीडिया जीरो बना दे, ये जमाना गया,
अब तो 2 साल का बच्चा भी बहुत जागृत हो गया और सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है ताकि सबके लोगों तक पहुंचा पाए। बाकी 50 साल पहले का जो नेगेटिव पेपर में छपा हुआ उसका कटिंग लेकर लुक के लोग रखड़ते रहते और जेब में से निकाल कर कहते कि आ हरेश्वरी देवी जो तुम्हें ओरखो जो अनु तो आऊँ सफाड़ दो। क्योंकि लोगों के पास सड़कों के पास कोई काम नहीं होता है नवरी बाजार में था जवाब नहीं बड़ी बात लेगा पर पत्रकार नीचे हमारे लागे वाला गए थे ये मारो अनुभव बहुत सारो है। एकाद बीमा निकल जाए कोल्ड उमर मगर में कोल्ड उमर हो गाँव भेगा कांकड़ा हो ये बहुत चिंता नहीं कर रहे हैं पर रमणी भाई राड़िया ने क्या मड़ो तो यू सन्म्न करो क्या आश्रम में तू साचवजू राड़िया परिवार पत्रकार से कोई भी आ जाए बेटा तो हम रहना है दिए का भरोसा नहीं कि ना आप सब शिष्य है तो आपके ध्यान में होना चाहिए ठीक है बेटा।